हम जब भी लोगों को देखते हैं, वो चाहे ऑफिस हो, रेस्टोरेंट हो, मेट्रो हो या कहीं भी, जो एक चीज़ कॉमन है वो है जूते, फुटवेयर्स, चप्पल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन फुटवेयर, जूते, चप्पलों का जो इतिहास है, जो हमारे डेली यूज़ में आते हैं, वो करीब 40,000 साल पुराना है। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार जूते का इतिहास 40,000 साल पुराना है। अब तक के खोजे गए सबसे पुराने अवशेषों में, जो कि जूते के अवशेषों में एक है, सेज बर्श बाघ सैंडल, जो कि लगभग 7,000 से 8,000 ईसा पूर्व के हैं, जो कि फोर्ट रॉक केव में पाए गए थे, एक यूएस स्टेट ऑफ ओरेगॉन में 1938 में। दुनिया का सबसे पुराना चमड़े का जूता, जो सामने और पीछे के हिस्से में एक चमड़े की नाल के साथ बिछाए गए काउ हाइट के एक टुकड़े से बने हैं, वो 2008 में द एरिनी वन केव कॉम्प्लेक्स, जो कि आर्मेनिया में है, वहाँ पाया गया था। माना जाता है कि ये 3500 BC का है, मतलब 3500 BC के अराउंड में इसे शायद इसका यूज़ होता था। ओडजी द आइसमैन शूज़, जो कि 3300 BC पुराना है। इसकी जो फीचर्स हैं उनमें से एक ये है कि बियर स्किन बेस है, डियर स्किन इसके साइड पैनल्स, मतलब इसके साइड के जो पैनल्स हैं वो डियर स्किन से बने हुए हैं, इसका बेस जो है वो बियर की स्किन से बना हुआ है, और एक छाल स्ट्रिंग नेट जिससे पैर के चारों ओर तंग खींचा गया था। लेकिन एक बात यह है कि क्या ये जो खोज हुई है, क्या इनसे पहले जूतों का इस्तेमाल नहीं होता था? क्या इनसे पहले लोग नंगे पैर ही चलते थे? तो ऐसा माना जाता है कि जूते का उपयोग बहुत पहले से किया जाता था, लेकिन क्योंकि इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री अत्यधिक खराब थी, इसलिए शुरुआती जूते का प्रमाण मिलना मुश्किल है। आर्कियोलॉजिस्ट ने छोटे पैर की हड्डियों का अध्ययन करके यह देखा कि उनकी मोटाई लगभग 40,000 से 26,000 साल पहले घटना शुरू हो गई थी या घट गई थी। इसके कारण आर्कियोलॉजिस्ट ने यह अनुमान लगाया कि जूते पहनने से हड्डियों का विकास कम होता है, इसके परिणाम स्वरूप छोटे और पतले पैर की उंगलियां होती हैं। जैसे जैसे सभ्यताएं विकसित होने लगीं, थॉन्ग सैंडल, जो कि आज के फ्लिप फ्लॉप जूतों के पूर्वज कहे जा सकते हैं, उनको पहने जाने लगा। ये जो प्रैक्टिस है इस थॉन्ग सैंडल को पहनने की, वो एंशियंट इजिप्शियन मुराल्स में भी देखी जा सकती है, जो कि 4000 BC के अराउंड में है। एक और पेयर जो कि यूरोप में मिलता है, वो पेपेरस लीव से बना था, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1500 ईयर्स ओल्ड है। एंशियंट टाइम्स में चाहे इजिप्शियंस हों, चाहे हिंदूज हों, चाहे ग्रीक्स हों, उन्होंने जूते की महत्वता बहुत कम आंकी। उनके हिसाब से नंगे पांव रहना ही ज्यादा बेहतर था। लेकिन फिर भी मिस्र और हिंदू सभ्यताओं में ऑर्नामेंटल शूज, यानी सजावटी जूतों के महत्वता दिखाई पड़ती है। लेकिन उनकी उपयोगिता के बारे में अगर बात करें, तो वो किसी भी तरीके की प्रोडक्शन नहीं प्रोवाइड कराते थे। फॉर एग्जाम्पल, सलोपैत्रा शू, जो कि किसी भी तरीके का प्रैक्टिकल प्रोटेक्शन, यानी कि आपके पैरों को किसी भी तरीके का प्रोटेक्शन वो नहीं प्रोवाइड करते थे, सिर्फ वो एक ऑर्नामेंटल शूज थे। एंशियंट ग्रीक्स ने बड़े पैमाने पर जूते को आत्मभोग के रूप में देखा, असंयमित देखा और अनावश्यक पाया। अलेक्जेंडर द ग्रेट कॉन्कर्ड, जिसने एक बहुत ही बड़े साम्राज्य को जीता, उसकी पूरी सेना ने नंगे पैर युद्ध लड़े थे। मेडिवल पीरियड में यूज होने वाले जितने भी जूते थे, उन्हें टर्न शू मेथड से बनाया जाता था। 15वीं शताब्दी तक यह पैटर्न यूरोप में पुरुष और महिलाएं दोनों पहनते थे, या कह सकते हैं लोकप्रिय हो चुका था यूरोप में। मगर उस टाइम पर भी ये जूते निम्न वर्ग के और जो दास वर्ग थे उनके लिए नहीं थे। आज के हाई हील शूज, जो कि महिलाओं द्वारा बड़े ही पसंद किए जाते हैं, टर्न शू मेथड के द्वारा बनाए गए शूज को इन हाई हील्स का पूर्वज माना जाता है। 16वीं शताब्दी के दौरान रॉयल्टी, जैसे कैथरीन डी मेडिसी और मैरी वन ऑफ इंग्लैंड ने हाई हील शूज पहनना शुरू कर दिया था, ताकि वे बड़े दिख सकें। 1580 तक पुरुषों ने भी पहनना शुरू कर दिया था, और एक आदमी उस टाइम पर जिसके पास अथॉरिटी और वेल्थ होती थी, उसे अक्सर वेल हील्ड के रूप में संदर्भित किया जाता था। पहला कदम मैकेनाइजेशन की तरफ बढ़ाया गया था नेपोलियनिक वॉर के दौरान इंजीनियर मार्क ब्रूनल के द्वारा। उन्होंने एक ऐसी मशीन को डेवलप किया था जो कि जूतों का मास प्रोडक्शन करती थी। इस तरह की मशीन का उपयोग उन्होंने सोल्जर्स के लिए जूते बनाने के इस्तेमाल में किया। ड्यूक ऑफ यॉर्क के सपोर्ट से उन्होंने शूज को मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया था। क्योंकि ये जूते मजबूत, टिकाऊ और सस्ते होते थे, इसीलिए इन्हें आर्मी के लिए इंट्रोड्यूस किया गया। 1846 में जब सीइंग मशीन बनी और उसने एक अल्टरनेटिव मेथड प्रोवाइड किया मैकेनाइजेशन ऑफ शू मेकिंग के लिए, तब जाकर इसको एक और क्रांति मिली। 1850 आते आते तक ये इंडस्ट्री US और इंग्लैंड में शिफ्ट हो गई, जिसकी वजह से शू मेकिंग इंडस्ट्री को एक नया प्रारूप मिला। भारत में जूतों का उपयोग 200 BC पुराना माना जाता है। हम अगर पुराने किंग्स, जो कि चाहे हम बात करें कुशाण पीरियड की चाहे गुप्ता पीरियड की,
तो उनके द्वारा जो कॉइन्स इंट्रोड्यूस कराए गए थे, उन कॉइन्स में जो किंग्स की शेप बनी थी उसमें हम देख सकते हैं कि उन्होंने कुछ फुटवियर्स पहने हुए हैं। प्राचीन काल में भारत में चमड़े को पहनना अच्छा नहीं माना जाता था, क्योंकि हमारे यहाँ गाय को पवित्र माना जाता था। इसीलिए लकड़ी, पौधे के रेशों या फिर किसी और धातुओं से बने सैंडल का उपयोग किया जाता था। तो दोस्तों, ये था जूतों का इतिहास। उम्मीद है आपको ज़रूर इससे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली होंगी। ऐसी और तमाम और रोचक इतिहास को जानने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल हिस्ट्री ऑफ एवरीथिंग। थैंक यू वेरी मच।